आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत रही है कि अनाप शनाप कुछ भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, और ये आदत आम आदमी पार्टी के शीर्ष से लेकर कार्यकर्ता तक के स्तर के हर नेता की हो गई है। ऐसा ही एक आरोप संजय सिंह ने भी देश की केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पर लगा दिया था। वो आरोप भी तथ्यहीन निकल गए और आरोपों पर ईडी ने पलटवार करते हुए संजय सिंह की पोल खोल कर रख दी। दरअसल संजय सिंह समेत अरविंद केजरीवाल ईडी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया। ईडी ने करारा जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्या कुछ कहा ईडी ने आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की चार्जशीट में गलती से नाम शामिल किए जाने के मुद्दे पर ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया। संजय सिंह के भेजे गए जवाब में ईडी ने साफ कर दिया कि सच्चाई जानते हुए भी मीडिया के सामने गलत बयानबाजी करना कानूनन अपराध है और ऐसा नहीं करने की सलाह दी। ईडी के वकील जुहेब हुसैन की ओर से संजय सिंह के वकील महेंद्र सिंह बेदी को भेजे गए जवाब की कॉपी मीडिया के पास मौजूद है। 29 अप्रैल को यह जवाब संजय सिंह के वकील की ओर से 22 अप्रैल को भेजे गए लीगल नोटिस पर दिया गया। ऐसा ही लीगल नोटिस 22 अप्रैल ईडी निदेशक को भेजा गया है। जुहेब हुसैन ने ईडी और निदेशक दोनों ही की ओर से अलग अलग जवाब संजय सिंह को भेजे हैं। संजय सिंह को भेजे गए ईडी के जवाब के अनुसार आबकारी नीति घोटाले की चार्जशीट में कुल 4 स्थानों पर संजय सिंह का नाम आया है। 3 स्थान पर संजय सिंह का नाम सही है, लेकिन 1 स्थान पर गलती से दिल्ली आबकारी आयुक्त राहुल सिंह की जगह गलती से संजय सिंह का नाम आ गया था। इस गलती का पता चलते ही 20 अप्रैल को ईडी ने अदालत के सामने से सुधारने का आवेदन दाखिल कर दिया। यानी संजय सिंह की ओर से लीगल नोटिस भेजे जाने से पहले ही ईडी अदालत से इस गलती को सुधारने की अपील कर चुकी थी, लेकिन संजय सिंह और केजरीवाल इस पर राजनीति कर ईडी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में ईडी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की पोल खोल कर रख दी। वहीं ईडी के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं और ईडी की चिट्ठी में ये भी बात नहीं लिखी गई है। बीजेपी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेता झूठ और भ्रम फैलाने की मशीन है, पर इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी और जो ईडी ने पत्र में लिखा ही नहीं वो मजमून पढ़ दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी नेताओं ने ईडी के वकील का पत्र पढ़ा होता तो उन्हें ये मालूम होता कि ईडी के वकील ने उन्हें बरी नहीं किया, बल्कि उनसे कहा है कि मामला अदालत के संज्ञान में है। ऐसे में बेहतर होगा कि ये मीडिया में बयानबाजी एवं ट्रायल ना करें और अपना कानूनी नोटिस वापस लें। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह ईडी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में खुद घिर गए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।